अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी। तेज रफ्तार शताब्दी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी। बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल। हादसे में दो लोग बस में फंसे, पुलिस निकालने में जुटी। थाना डेरापुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला, कानपुर देहात से खबर। तेज रफ्तार शताब्दी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी। बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल। हादसे में दो लोग बस में फंसे, पुलिस में थाना डेरापुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला। तो कानपुर देहात से खबर आई है, जहां पर तेज रफ्तार शताब्दी बस में यह घटना देखने को मिली। आपको बता दें कि शताब्दी बस में इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखी गई है, जहां पर ओवरलोड सवारियों के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में हादसे में दो लोग बस में फंसे हुए हैं, बाकी लोगों को पुलिस निकालने में जुटी है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए हैं। थाना डेरापुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से शताब्दी बस की यहां पर हालत है। शताब्दी बस गड्ढे में गिरी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, कई बार ओवरलोड सवारियों के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, दो लोग बस में अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम के द्वारा पुलिस तमाम लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। के न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कानपुर देहात की ये घटना है। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस गड्ढे में गिरी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। कुछ लोग बस में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।